श्रेणी प्रेरक फिल्टर या सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर किसे कहते हैं, आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ में इसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम इसकी कार्यप्रणाली। प्रेरकत्व एक मूलभूत गुण है कि वह उससे बहने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण का उपयोग श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर में किया गया है। इस चित्र में जैसे कि हमने दर्शाया है, इस चित्र के अनुसार एक प्रेरकत्व फिल्टर दर्शाया गया है जिसमें एक प्रेरक कुंडली एल को दिष्टकारी तथा लोड प्रतिरोध आरएल के बीच लगाया गया है। दिष्टकारी का निर्गम धारा में दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती दोनों के घटक उपस्थित हैं। जब भी प्रेरकत्व से बहने वाली धारा के मान में प्रत्यावर्ती घटक के कारण परिवर्तन होता है तभी एक विपरीत विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो धारा में ऐसे परिवर्तन का विरोध करते हैं अतः परिपथ में अचानक होने वाली परिवर्तनों की प्रेरकत्व दूर कर देता है। चूँकि आवृत्ति एफ के बढ़ने के साथ प्रेरकत्व का प्रतिघात 2πfL बढ़ता है इसलिए इसमें उच्च संनादी स्पंदन अच्छी तरह से फिल्टर हो जाता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकत्व की प्रतिघात शून्य होती है क्योंकि F इज इक्वल टू जीरो तथा प्रतिबाधा प्रेरकत्व के प्रतिरोध के कारण निम्न प्रतिरोध के कारण नगण्य होती है। अतः वोल्टा में दिष्ट घटक तथा संनादी आवृत्ति निम्न ऊर्मिका आवृत्ति में घटक होता है जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। इसमें दिष्ट घटक का परिणाम काफ़ी अधिक तथा प्रत्यावर्ती घटक का परिमाण काफ़ी कम दर्शाया गया है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकत्व का प्रतिरोध R तथा लोड प्रतिरोध RL श्रेणी क्रम में रहते हुए वोल्टा विभाजक व्यवस्था बनाते हैं जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त दिष्ट वोल्टा VDC है तब लोड के सिरों में दिष्ट वोल्टा का मान VDC इज इक्वल टू RL डिवाइड बाई R प्लस RL VDC डैश। अक्सर R का मान RL से काफ़ी कम होता है अतः लगभग सारी दिष्ट वोल्टा लोड पर प्राप्त होती है। श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर का कार्य उसमें से बहने वाली धारा पर निर्भर करता है इसलिए ये फिल्टर तथा एल अनुभाग फिल्टर को सिर्फ पूर्ण तरंग दिष्टकारी के साथ प्रयोग में लाया गया है क्योंकि इस फिल्टर में धारा पूरे समय बहनी चाहिए। इसके अलावा इसमें से जितनी अधिक धारा बहेगी जैसे कि हम गणितीय विश्लेषण में देखेंगे उतनी अच्छी फिल्टर की क्रिया होगी। दूसरे शब्दों में लोड धारा बढ़ने के साथ ऊर्मिका का मान घटेगा। गणितीय विश्लेषण या मैथमेटिकल एनालिसिस। पूरी श्रेणी के अनुसार पूर्ण तरंग दिष्टकारी फिल्टर रेंज से प्राप्त निर्गत वोल्टा E इज इक्वल टू 2Vm डिवाइड बाई पाई माइनस 4Vm बाई 3π कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 4Vm डिवाइड बाई 15π कॉस 4 ओमेगा टी। पूरी श्रेणी के अनुसार फिल्टर रहित पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टा का पहला पद 2Vm बाई पाई फिल्टर पर निवेश पर लगाई गई दिष्ट वोल्टा के निरूपित करना है जबकि बाकी सभी पद संनादी घटकों के निरूपित करते हैं। यदि चोक कुंडली का प्रतिरोध RCH हो तो प्रथम पद के कारण परिपथ में दिष्ट धारा का मान IDC इज इक्वल टू VM डिवाइड बाई पाई RCH प्लस RL। समीकरण से यह स्पष्ट है कि द्वितीय और चतुर्थ संनादियों के आयाम एक बटा एक 1:1/5 है तथा प्रतिबाधाओं के अनुपात 2ωL:4ωL यथा 1:2 है। ओमेगा एल आरएल से बहुत अधिक अगर हम मानते हैं तब अतः धारा के द्वितीय संनादी का आयाम संनादी के आयामों के 10 गुना होगा। अतः फूरियर श्रेणी में सिर्फ प्रथम दो पद महत्वपूर्ण है इसलिए समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2Vm बाई पाई माइनस 4Vm बाई 3π कॉस 2 ओमेगा टी। अतः ओमेगा वोल्टा का वर्ग मध्य मूल मान 1/√2 4Vm बाई 3π ये ओमेगा वोल्टा प्रेरकत्व तथा लोड के श्रेणी संयोजन से प्राप्त हो सकता है। अतः फिल्टर परिपथ की प्रतिबाधा इज इक्वल टू √ RCH प्लस RL होल स्क्वायर प्लस 2ωL होल स्क्वायर। अतः ओमेगा वोल्टा का जो वर्ग माध्य मूल मान IRMS इज इक्वल टू 1/√2 4Vm डिवाइड बाई 3π 1/√RCH + RL2ωL2। परिभाषा के अनुसार जो ऊर्मिका गुणांक है गामा इज इक्वल टू धारा के प्रत्यावर्ती घटक के वर्ग माध्य मूल मान डिवाइड बाई धारा के दिष्ट घटक का मान। तो ये हो जाएगा 1/√2 4Vm डिवाइड बाई 3π 1/√RCH + RL2ωL2 डिवाइडेड बाई 2Vm डिवाइड बाई पाई RCH + RL। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3√2
टू आर सी एच प्लस आर एल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर सी एच प्लस आर एल होल स्क्वायर प्लस फोर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, टू डिवाइड बाई थ्री अंडर रूट टू आर सी एच प्लस आर एल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर सी एच प्लस आर एल होल स्क्वायर प्लस फोर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू रूट रूट टू डिवाइड बाई थ्री वन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ इन ब्रैकेट्स वन प्लस फोर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर सी एच प्लस आर एल होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यदि एक की तुलना में ओमेगा एल डिवाइड बाई आर सी एच प्लस आर एल अधिक है तब उर्मी का गुणांक हो जाएगा गामा इज इक्वल टू रूट टू बाई थ्री आर सी एच प्लस आर एल डिवाइड बाई टू ओमेगा एल। यदि आर सी एच इज वेरी मच लेस देन आर एल तब गामा इज इक्वल टू रूट टू डिवाइड बाई थ्री आर एल डिवाइड बाई टू ओमेगा एल। ये हो जाएगा 0.236 आर एल डिवाइड बाई ओमेगा एल। समीकरण यह दर्शाता है कि लोड धारा बढ़ने के साथ और लोड प्रतिरोध आर एल घटने के साथ प्रेरकत्व के बढ़ने के साथ उर्मिका कम होती है। यह व्यवहार पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर के व्यवहार के विपरीत होता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी को 15,000 ओम लोड प्रतिरोध के साथ 15 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के साथ जोड़ा जाता है। निविष्ट वोल्टता के शिखर मान 250 वोल्ट तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। दिष्ट लोड धारा ओर्मिका गुणांक तथा निर्गत दिष्ट वोल्टता की गणना कीजिए। अ फुल वेव रेक्टिफायर विद लोड रेजिस्टेंस ऑफ 15,000 ओम्स यूज एन इंडक्टर फिल्टर ऑफ इंडक्टेंस 15 हेनरी। द पीक वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज 250 वोल्ट्स एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द डीसी लोड करंट रिपल फैक्टर एंड डीसी आउटपुट वोल्टेज। पूर्ण तरंग दृष्टकारी के निर्गम पर दृष्ट करंट वोल्टता E इज इक्वल टू 2Vm बाई पाई माइनस 4Vm बाई 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा आवृत्ति के प्रत्यावर्ति निवेश वोल्टता का शिखर मान Vm है। निर्गत वोल्टता का दृष्ट घटक V इज इक्वल टू 2Vm बाई पाई। दृष्ट लोड धारा IDC इज इक्वल टू 2Vm डिवाइड बाई पाई RL। ये हो जाएगा 2 इंटू 250 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 15000। ये हो जाएगा 0.0106 एम्पियर्स। धारा का प्रत्यावर्ती घटक IDC इज इक्वल 1/√2 4Vm डिवाइड बाई 3 पाई 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ RL स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा L होल स्क्वायर। और IAC इज इक्वल टू 4 इंटू 250 डिवाइड बाई 1.414 इंटू 3 इंटू 3.14 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 15,000 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 15 होल स्क्वायर जगह 4.24 × 10⁻³ एम्पियर्स इसकी वैल्यू हो गई है। तो जो गामा की वैल्यू है IDC/IAC/IDC जो गामा की डेफिनेशन होती है गामा इज इक्वल टू IAC/IDC इज इक्वल टू 4.24 × 10⁻³ डिवाइड बाई 0.0106 इज इक्वल टू 0.4। निर्गत दिष्ट वोल्टता VDC इज इक्वल टू IDC/RL इज इक्वल टू 0.0106 इंटू 15,000 इज इक्वल टू 159 वोल्ट्स। चोक निवेशी LC फिल्टर तथा L अनुभाग फिल्टर चोक इनपुट या LC फिल्टर इसकी अब हम कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हैं। इस चित्र में एक चोक निवेशी LC फिल्टर दर्शाया गया है जिसमें लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रेरक कुंडली और पार्श्व पथ में एक संधारित्र लगाया गया है। हमने देखा कि श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर में ओमेगा गुणांक लोड प्रतिरोध RL के समानुपाती है तथा पार्श्व संधारित्र फिल्टर में लोड प्रतिरोध RL के व्युत्क्रमानुपाती होता है। श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर की विशेषता यह है कि वह लोड धारा बढ़ाने पर उर्मिका को कम कर देता है जबकि पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर में लोड धारा बढ़ने पर उर्मिका बढ़ जाती है। चोक निवेशी LC फिल्टर में श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर तथा पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर दोनों की विशेषताओं में शामिल कर दिया जाता है जिससे उर्मिका गुणांक की लोड प्रतिरोध पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी। चूँकि चोक लो पोर्ट प्रेरकत्व का दिष्ट प्रतिरोध R का मान बहुत कम होता है इसलिए यह धारा के दिष्ट घटकों में आसानी से प्रवाहित होने लगती है। दिष्ट धारा के लिए संधारित्र खुले परिपथ की भांति व्यवहार करता है और पूरी दिष्ट धारा लोड प्रतिरोध RL से प्रभावित होती है। अतः यह परिपथ में दर्शाए अनुसार एक दिष्ट वोल्टता विभाजक के रूप में कार्य करता है तथा निर्गत दिष्ट वोल्टता समीकरण के अनुसार दी जाती है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के निर्गम में प्रत्यावर्ती घटक की मूल आवृत्ति 100 हर्ट्ज होती है जो कि प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता की दोगुनी होती है। इस प्रत्यावर्ती घटक के लिए प्रतिघात XL = 4πfL
का मान अधिक होने के कारण प्रत्यावर्ती घटक को प्रेरकत्व में प्रवाहित होना मुश्किल हो जाता है, फिर भी प्रत्यावर्ती घटक का कुछ भाग प्रेरकत्व में प्रवाहित हो जाता है, तो वह लोड प्रतिरोध के बहने वाली अपेक्षित संधारित्व के कम प्रतिशत XC=1/4πfC से बहता है। अतः उर्मिका बहुत प्रभावशाली रूप से कम होती है, क्योंकि XL=XC तथा XC=XL। इस चित्र दर्शाए के अनुसार परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टा विभाजक की तरह कार्य करता है। यदि पूर्ण तरंग दृष्टकारी से प्राप्त उर्मिका वोल्टा के वर्ग मध्य मूल मान VR- है, तो निर्गत उर्मिका का वर्ग मध्य मूल मान दिया जाएगा VR=XC/XL+XC VR-। परंतु XL=XC, अतः हम लिख सकते हैं VR=XC/XL+XC VR-। यदि हम 100 हर्ट्ज पर प्रतिशत XC को XL के मान की गणना करें, तो L की प्रतीकात्मक मान 5 से 30 हेनरी तथा C का मान 5 से 40 माइक्रोफेरेड प्राप्त होता है। पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर में ट्रांसफार्मर की धारा में प्रभाव श्रेणीक्रम में स्पंदों के रूप में होता है, परंतु चोक निवेशी LC फिल्टर में धारा सतत रूप से बहती है, इसलिए यहाँ ट्रांसफार्मर का ज़्यादा निपुणता से उपयोग होता है। चोक निवेशी फिल्टर का एक अन्य लाभ यह है कि निर्गम में उर्मिका की मात्रा न ही सिर्फ कम होती है, वरन लोड धारा भी कम निर्भर होती है। हम बात करते हैं गणितीय विश्लेषण या मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में। फूरियर श्रेणी के अनुसार पूर्ण तरंग दृष्टकारी फिल्टर रहित से प्राप्त निर्गत वोल्टा E=2Vm/π-4Vm/3π cos2ωt-4Vm/15π cos4ωt। पहला पद 2Vm/π फिल्टर की निवेश पर लगाई गई दिष्ट वोल्टा की निरूपित करता है, जबकि बाकी सभी पद संनादि घटकों के निरूपित होते हैं। चूँकि चोक कुंडली L के प्रतिरोध का मान लोड प्रतिरोध RL की तुलना में काफ़ी कम होता है, अतः प्रथम पद लोड की निर्गत दिष्ट वोल्टा VDC=V0 को व्यक्त करता है। VDC=2Vm/π और IDC=2Vm/πRL। यहाँ IDC लोड RL से बहने वाली दिष्ट धारा है। द्वितीय तथा तृतीय संनादियों को व्यक्त करता है। फिल्टर के द्वारा इन संनादियों को हटाने का कार्य किया जाता है। समीकरण से यह स्पष्ट है कि द्वितीय और चतुर्थ संनादि का आयाम अनुपात 1:1/5 है तथा प्रतिबाधाओं का अनुपात 2ωL:4ωL तथा 1:2ωL RL मानते हुए, अतः धारा के द्वितीय संनादि का आयाम चतुर्थ संनादि का आयाम 10 गुना होता है। अतः फूरियर श्रेणी में सिर्फ प्रथम दो पद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं E=2Vm/π-4Vm/3π cos2ωt। यहाँ हम ये मान लेते हैं कि 2ω आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात 1/2ωC का मान लोड प्रतिरोध RL की तुलना में काफ़ी कम होता है। इस कारण लगभग संपूर्ण उर्मिका के संधारित्र C तथा प्रेरक कुंडली L से प्रवाहित माना जा सकता है। अतः L तथा C से प्रवाहित उर्मिका धारा द्वितीय संधारित्र के कारण 4Vm/3π-XL+XC cos2ωt=4Vm/3π-2ωL-1/2ωC cos2ωt=8Vm/ωC/3π-4ωs+LC-1 cos2ωt। तर उर्मिका धारा के वर्ग मध्य मूल मान ये हो जाएगा IRMS=8Vm/3π-4ωs+LC-1 √1T cos2ω2ωt dt, और ये अंडर रूट है, ये हो जाएगा 1/√2 8Vm/3π-4ωs+LC-1। अतः द्वितीय संनादि के कारण संधारित्र C पर वोल्टा पतन का प्रभावी मान V-RMS=IRMS×1/2ωC। द्वितीय संनादि के कारण संधारित्र C पर वोल्टा पतन के प्रभावी मान लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर भी प्राप्त होगा। अतः लोड पर ओमेगा वोल्टा V-RMS=IRMS×1/2ωC=1√2 8Vm/3π-4ωs+LC-1 × 1/2ωC=4Vm/3√2π-4ωs+LC-1। लोड पर प्राप्त ओमेगा वोल्टा के प्रभावी मान तथा दिष्ट वोल्टा के अनुपात को ओमेगा गुणांक गामा कहते हैं। अतः ओमेगा गुणांक गामा V-RMS
RMS डिवाइड बाई VDC ये 4 VM डिवाइड बाई 3√2π ब्रैकेट में 4 ω² LC-1 इंटू पाई डिवाइड बाई 2 VM इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट में 4 ω² LC-1 इक्वल टू 0.47 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट में 4 ω² LC-1। समीकरण से यह स्पष्ट है कि उर्मी का गुणांक लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर नहीं करता और इसलिए लोड धारा पर भी निर्भर नहीं करता। प्रेरकत्व की क्रांतिक मान वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। LC फिल्टर में लोड प्रतिरोध में अधिक मान या लोड धारा का कम मान पर संधारित्र अधिक प्रभावी होता है। आवेशन की प्रक्रिया में संधारित्र अतिशीघ्र निविष्ट वोल्टता के शिखर मान तक आवेशित हो जाता है, परंतु निरावेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, अतः निर्गत दिष्ट वोल्टता अधिक बनी रहती है। जब लोड धारा का मान बढ़ता है लोड प्रतिरोध RL से कम करने पर, तब कालांक RLC का मान कम होने के कारण संधारित्र की लोड में अनावेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, अतः संधारित्र की वोल्टता का मान तेजी से कम हो जाता है। ऐसी स्थिति एक स्थिति ऐसी आती है जब लोड धारा के एक निश्चित मान IK पर संधारित्र और औसत वोल्टता का मान दिष्ट वोल्टता से कम हो जाता है और संधारित्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अतः जब धारा का मान बढ़ता है तब प्रेरकत्व का प्रभाव बढ़ता है और धारा के क्रांतिक मान के पश्चात फिल्टर लगभग श्रेणी प्रेरकत्व की भांति व्यवहार करता है। इस चित्र में दिष्ट वोल्टता का लोड धारा के साथ परिवर्तन दर्शाया गया है। चित्र से यह स्पष्ट है कि लोड धारा का मान क्रांतिक धारा IK से कम होने पर निर्गत वोल्टता में परिवर्तन अधिक होता है, परंतु लोड धारा का मान IK से अधिक होने के ऊपर निर्गत वोल्टता की लोड पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि जब लोड धारा का मान IK से अधिक होने के कारण निर्गत वोल्टता की लोड पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाती है इसका कारण यह है कि जब लोड धारा का मान IK से अधिक हो जाता है तो प्रेरक कुंडली में लगातार धारा बहती है, अनिवार्य रूप से LC फिल्टर की स्थिति है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया। प्रेरकत्व के कारण मस्तनन का प्रभाव हमने इस चित्र में दर्शाया। चित्र से स्पष्ट है कि वोल्टता के परिवर्तन चक्र में किसी भी भाग में धारा का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, क्योंकि जब वोल्टता का मान शून्य हो जाता है तब प्रेरकत्व अपने अंदर संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करता है, उर्मिका घटकों को संधारित्र उपपथ प्रदान करता है और इसलिए लोड पर एक स्पंदन रहित वोल्टता प्राप्त होती है। प्रेरकत्व से धारा सतत रूप से बहनी चाहिए। यह तभी संभव है जब उर्मिका धारा का शिखर मान IM दिष्ट धारा IDC के बराबर या कम हो। यह स्थिति L और RL के सापेक्षिक मान पर निर्भर करती है। धारा के सतत प्रवाह के लिए पर्याप्त ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए अपेक्षित प्रेरकत्व की क्रांतिक मान LC दिया जाता है। LC इज वेरी मच ग्रेटर देन RL डिवाइड बाई 3 ω। LC का मान की गणना इस प्रकार से की जाती है, चूँकि IDC इज वेरी मच ग्रेटर देन IM, अतः 2 VM डिवाइड बाई पाई RL इज वेरी मच ग्रेटर देन 4 VM बाई 3 ω XL, XL इज इक्वल टू ω L। 2 VM बाई पाई RL इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 VM डिवाइड बाई 3π XL। तो 3 ω XL ω L इज वेरी मच ग्रेटर देन RL, तो L इज वेरी मच ग्रेटर देन और इक्वल टू RL बाई 3 ω। तो ये हमने बात करी LC चोक के बारे में। धन्यवाद।